तो चलिए दोस्तों, तो आज हम एक हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने वाले हैं। तो इसमें एक नई तरीके की प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे हम। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो ये हेलीकॉप्टर है इसका स्विच टूट चुका है, ऑन ऑफ का जो स्विच है ये टूट चुका है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें कौन सा स्विच लगाएंगे और कैसे लगाएंगे इसमें स्विच? तो इसमें स्विच लगाना आसान काम नहीं है। यदि हम इसी स्विच को देखें तो ये प्लेट पे बिल्ड है, तो इसमें स्विच लगाना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक इस टाइप का स्विच लेंगे। देख लीजिए, ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो इस टाइप के स्विच को हम यहाँ पे होल बना के और इसी तरह फिट करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो अब इसे शुरू करते हैं। तो अभी मैंने इसके सारे स्क्रूज को खोल लिया है, तो अभी इसे मैंने ओपन कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये इसका कुछ मैकेनिज्म है इस तरीके से। सबसे पहले हमें इसे खोलना होगा। तो ये किस तरीके से खोला गया, ये आगे साइड से खोला गया। इसमें तीन स्क्रूज होते हैं जो कि इसमें लगे हुए होते हैं। तो अभी हमने इसे हटा दिया है और इसे भी हटा देंगे हम। तो ये हमारा कुछ पूरा हेलीकॉप्टर है। अब मैं आपको इसके सर्किट में दिखाता हूँ कि कहाँ से हमें कौन से वायर जोड़ने हैं। तो आप देख सकते हैं, अब हम इसका सर्किट खोलेंगे। ये मैंने इसके इस सर्किट को खोल दिया है, और जो इसका स्विच है वो ये रहा। स्विच के तीन पॉइंट है। सबसे पहले तो हमें इसे हटाना होगा, क्योंकि इसके नीचे यदि वो स्विच का जो पहले के टर्मिनल है वो आपस में भिड़ेंगे तो वो हट जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इसकी इस प्लेट को हटाएंगे। तो इसकी ये प्लेट है, देख लीजिए, इसे हटा देंगे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पेस्ट लगा लेंगे। अब मैं क्या करूँगा कि इसे इस प्लेट को पकड़ लेता हूँ हेल्पिंग हैंड की सहायता से। देख लीजिए, मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूँ इसकी जिन प्लेटों पे हम काम करने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तीन वायर लगा देंगे। तो अब तीन वायर लगाएंगे इसमें हम। तो अब हम क्या करेंगे कि तीन वायर ले लेंगे। सबसे पहले तो पहले वायर को हम क्या करेंगे कि इस पर सोल्डरिंग करेंगे। तो पहले मैं देख लीजिए, पहले वायर को हमने सोल्डरिंग कर दिया है, फिर दूसरे वायर को करेंगे हम। दूसरे वायर को कर दिया हमने, फिर तीसरे वायर करेंगे। तो तीन वायरों को हमने इसमें सोल्डरिंग कर दिया है। फिर सोल्डरिंग करने के बाद में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ऊंचा करके दिखाता हूँ। अब हमारे पास ये तीन वायर हो गए। तो जो बीच वाला वायर है उसे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये वाला स्विच है इस पर भी हम सोल्डरिंग कर लेंगे, और इसके बीच वाले वायर पे ही कनेक्ट करेंगे। तो इन वायरों को छोटे करके थोड़े से, और फिर जैसे स्विच के वायर थे सेम वैसे की वैसे ही फिट करना भी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन किए हैं। अभी मैंने इनको काट दिया, इनको छीलेंगे तो कनेक्शन करेंगे। तो जो स्विच का पहला वायर है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहला वायर है, इसे हम क्या करेंगे कि इसके पहले वायर से कनेक्ट करेंगे यहाँ, क्योंकि अभी हम
चेक करेंगे स्विच को कि चालू है कि नहीं। तो अभी मैं पहले वायर को पहले से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में वाइट वाला वायर बीच का वायर है इसका ये, तो इसे हम बीच वाले वायर से कनेक्ट करेंगे। बीच वाले से कनेक्ट कर दिया, और ये वाला वायर हमारा लास्ट वाला वायर है, इसे हमने लास्ट वाले से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे इसके कनेक्शन हो गए, ठीक है। तो हम इसे जब भी चार्ज, अभी ये क्या डिस्चार्ज हो गई पूरी बैटरी, क्योंकि जब भी ये जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में ये ऑफ था। तो अभी हम इसे सबसे पहले तो चार्ज करके और फिर इसे चेक करके देंगे। तो पहले मैं इसकी बैटरी चार्ज पर लगा देता हूँ। तो अभी आप जैसा ही देख सकते हैं इसकी बैटरी चार्ज हो रही है हमारी, देखिए बत्ती जल गई है इसकी। तो पहले बैटरी को चार्ज होने देते हैं इसकी को पहले थोड़ी देर, फिर उसके बाद में इसमें चेक करेंगे हम इसे। तो अभी इसकी थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो गई है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही देख लीजिए मैं इसे ऑन कर रहा हूँ, तो ये हमारी LED ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये इसमें पावर आ गई है। तो अब हमें इसमें इसे किस तरीके से फिट करना है तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें एक सुराख बना लेंगे। तो सुराख बनाएंगे सबसे पहले हम, तो बिल्कुल सुराख सोल्डरिंग आयरन की मदद से बनाना है, इस तरीके से बनाना है, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं हो वो। तो अभी हमने एक सुराख बना लिया है इसके अंदर, देख लीजिए। तो इसके अंदर ये छेद बना लिया है। अब इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये फिर हम इसे फिट करके देखेंगे जो इसका ये स्विच था। तो सबसे पहले स्विच पे से हम क्या करेंगे, वायरों को डीसोल्ड कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इसको इस स्विच के अंदर लगाएंगे, इसे इसके अंदर लगाएंगे और डाल के देखेंगे, देखिए कितना क्या ये रहता है। तो अभी आप देख लीजिए किस तरीके से फिट हो गया है इसके अंदर। वापस से हम क्या है कि उसी कंडीशन में वायर को लगा देंगे। सबसे पहले इसकी चार्जिंग पॉइंट को हटा लेंगे यहाँ से, और उसी कंडीशन में वायर लगा देंगे जिस कंडीशन में हमने इसे खोला था। तो सबसे पहले बीच वाले वायर, जो वाइट वाला वायर है, उसे बीच में लगा देंगे हम। देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ये नीला वाला वायर है इसे इस कोने पर लगा देंगे। मेनली आपको याद रखना जो बीच वाला वायर है वो बीच सेंटर में ही लगे, और कोने वाले वायर आप या तो उधर लगा दीजिए इधर लगा दीजिए, तो बस आपके लेफ्ट राइट में दिक्कत, बस जो आपको ऑन ऑफ है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने इसे फिट कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्किट को वापस से जिस कंडीशन में से हमने इसे निकाला था उसी कंडीशन में हम इसे फिट करेंगे वापस से। अभी मैं इसे वापस से फिट कर रहा हूँ, इसे वापस नीचे कर देंगे हम। फिर उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कि इसे हमने कुछ इस तरीके से खोला था, तो इसे हम कुछ इस तरीके से वापस से फिट कर देंगे। ये हमारी ऐसे कैसे लगा देंगे, इसे वापस से टाइट कर देंगे। अभी ऐसे चाल लगाएंगे, पहले इसे टाइट कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको।
तो अभी हमने इसे जिस कंडीशन में खोला था उसी कंडीशन में इसे वापस से लगा दिया है। इसके सारे स्क्रूज को कस देंगे और एक बार इसे चार्ज करेंगे। तो देख लीजिए हमारी ये चार्जिंग की एलईडी जलने लग गई है। इसे चार्ज होने देंगे। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे ये ऑन है हमारा ऑन और यहाँ पे हमारा ऑफ। तो जो हेलीकॉप्टर की बैटरी होती है उसे ऑफ करके चार्जिंग किया जाता है, क्योंकि ऑन करने में ये इसके सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाती है और ऑफ़ करके इसके बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाती है। तो अभी ये चार्ज हो रहा है हमारा हेलीकॉप्टर, फिर मैं इसकी टेस्टिंग दिखाऊँगा आपको। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे चेक करेंगे, ये थोड़ा चार्ज हो गया है। तो अब मैं इसे ऑन करता हूँ, देखिए ऑन करने पर ये एलईडी जल रही है। और जैसे ही इसे पेयर करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ऊपर से दिखाता हूँ जूम करके, देखिए ये चलने लग गया। यहाँ से इसे ऑफ़ कर देंगे, ये ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ, तो हमारे परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो ये हमारा टूटेगा भी नहीं और हमारा परफेक्ट काम करेगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।